ये नया भारत का नया उत्तर प्रदेश भी बनेगा और नए उत्तर प्रदेश के साथ लखनऊ उत्तर प्रदेश की पहचान है। और ये हमारा सौभाग्य है कि लखनऊ से देश के यशस्वी रक्षा मंत्री हमारे प्रतिनिधि के रूप में देश की संसद में जाते हैं। अपनी अस्वस्थता के बावजूद चुनावी सभाओं में लगातार देश के अंदर लगातार दौरे करने के बाद एक चुनावी सभा में चोटिल होने के बाद आज भी वे लखनऊ को पूरा समय दे रहे हैं। और मैंने अपने जीवन में नहीं देखा कि इतना बड़ा राजनेता अपने संसदीय क्षेत्र के प्रति इतना समय देता हो। जब भी देश के व्यवस्था से थोड़ा समय निकलता है मैं देखता हूं कि माननीय राजनाथ सिंह जी लखनऊ पहुंच जाते हैं। लखनऊ आकर के यहां की समस्याओं को लेकर के बैठकने का क्रम शुरू होता है, जनता से मिलते हैं, पीड़ित के घर जाते हैं, हरेक के सुख दुख में सहभागी बनते हैं। लखनऊ की हरेक समस्या छोटी से लेकर बड़ी तक समस्या का समाधान का रास्ता कैसे निकल सकता है या उनके अंदर की पीड़ा से देखा जा सकता है। सार्वजनिक जीवन में सहजता, सरलता, ईमानदारी, लगभग 5 दशक का उनका सार्वजनिक जीवन एक आदर्श और शुचिता का, एक निष्कलंक जीवन का प्रतीक है। भारत की राजनीति का एक ऐसा उदाहरण है जो हर राजनेता के लिए, सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले हर व्यक्ति के लिए एक उदाहरण बन सकता है। और इसलिए बहनों और भाइयों, इस प्रकार के जनप्रतिनिधि जब कोई चुनता है तो उसके कारण जो पुण्य प्राप्त होता है, जो श्रेय प्राप्त होता है, जनता जनार्दन ही उसका सर्वाधिक लाभान्वित होती है। और बहनों और भाइयों, यह लखनऊ ने अर्जित किया है।